जय हिंद दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों आज मुझे जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि आगे चल के आप लोगों को ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों आप लोग जो मेरे हाथ में फोन देख रहे हैं, ये रियलमी 10 Pro Plus है और ये मेरे को समथिंग 25,000 रुपए के समथिंग में मैं इसको खरीदा था, ऑफलाइन परचेज किया था। दोस्तों मुझे अभी इसको यूज करते हुए करीब 1.5 महीना हुआ है, लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। और दोस्तों प्रॉब्लम क्या है और आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना मतलब ना करना पड़े, क्योंकि दोस्तों आज ही मैं कस्टमर केयर पे गया था, 2 दिन पहले कस्टमर केयर पे गया था। आखिर मुझे कस्टमर केयर जो है रियलमी सेंटर है, रियलमी सर्विस सेंटर है, वहां पे जब मैं गया उसने आखिर मुझे क्या बोला, मैं आज आप लोग को सब बताने वाला हूँ। और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है ये भी मैं आगे चल के बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो 25,000 रुपए है वो डूब जाएगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को इसके प्रॉब्लम के बारे में बता दूं। आप लोगों को यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ कैमरे के बीच में आप लोगों को कैमरे में अच्छा से दिखेगा नहीं, मतलब कैमरे में उतना अच्छा नजर नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ से कॉर्नर से लेकर यहाँ तक ना एक लाइनिंग आ गया, मतलब डिस्प्ले में लाइनिंग आ गया। अब आप लोग सोचिए कि 25,000 रुपीज का अगर मोबाइल में लाइनिंग आ जाए अभी डिस्प्ले में, तो कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है यार मोबाइल चलाने में। दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है ना, अगर बाहर मार्केट में आप लोग ओरिजिनल डिस्प्ले का पता करेंगे तो समथिंग आप लोग को 8 से 9 हजार रुपए का पे करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों यही सब दिक्कत था मेरे सामने। तो जब 2 दिन पहले मुझे पता चला तो मैं सर्विस सेंटर पे गया, तो सर्विस सेंटर वाले ने मुझे ये बोला कि सर आप 2 दिन बाद आइए, मतलब आप सोमवार को आइए। तो आज था सोमवार, तो मैं आज गया था। तो वहाँ पे जब गया तो मुझे पहले ही माइंड में मेरे यही चल रहा था कि वहाँ पे जाने के बाद सर्विस सेंटर वाला जरूर बोलेगा कि आपका ये फोन दबा है, या तो आपका फोन पानी में गिरा है, या तो आपका फोन जमीन पे गिरा है, ये 3 चीज बोलेगा। लेकिन मेरे माइंड में पहले ही था, क्योंकि मुझे फोन के बारे में ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि मैं बचपन से ही फोन चलाते हुए आ गया हूँ। इसी की वजह से मैं मतलब वहाँ पे थोड़ा सा तैयारी बना के गया था, उसका नॉलेज रख के गया था। मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, वही चीज बताऊंगा कि आप लोग को कभी भी इन चीजों से दिक्कत ना हो। आप लोग अगर इस बात अगर इस वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं ना, तो 100% कभी जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो कंपनी वाला जो है सर्विस सेंटर वाला है, वो सबसे पहले मुझसे बोला कि जब ये देखा लाइनिंग तो कह रहा सर ये आपका फोन दबा हुआ है। मैंने कहा नहीं भैया, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था, मैंने यही बोला कि नहीं भैया ये मेरा फोन दबा हुआ नहीं है, और ये मेरा ना तो पानी में गिरा है, ना तो जमीन पे गिरा है, ना तो दबा है, मैं इसको टेबल पे रखता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी 2 फोन है। मैंने उससे इतना बात बोला तो वो बोला कि ठीक है, और मैं अपने सुपीरियर से बात करूंगा, अगर उसको अप्रूवल दे देते हैं तो मैं 2-3 घंटे में आपको फोन करके बता दूंगा कि आपका डिस्प्ले लग जाएगा कि नहीं लगेगा। अगर वहां से अप्रूवल नहीं मिलता है तो आप लोग आपको चार्ज देना पड़ेगा, मुझसे ये बोला। तो मैंने वहां पे थोड़ा सा भी मैं डरा नहीं, मैं इतना ही बोला कि देखिए आप कुछ भी करिए, मुझसे मतलब नहीं है, ये फोन मुझे 1.5 महीना अभी यूज करते हुआ है, और मेरे फोन में आखिर दिक्कत क्यों आया है, डिस्प्ले मेरा चेंज करिए, फोल्डर मेरा चेंज करिए, बस मैं इतना जानता हूँ। अब अप्रूवल लीजिए, चाहे कुछ भी करिए, चाहे सुपीरियर से बात करिए, चाहे कुछ भी करिए, क्योंकि भाई मैं बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करके, बहुत ज्यादा मेहनत से पैसा इकट्ठा करके इसको लिया था। तो मैं यही बोला कि अगर आपका सर्विस सेंटर मतलब भाई जब कोई भी सर्विस सेंटर रहेगा भाई आप समझिए, मैं तो नहीं समझूंगा, यही बात होता है। तो जब मैं इतना बोला तो वो बोला कि ठीक है सर मैं बात करूंगा। मैंने कहा ठीक है सर आप भी बात कर लीजिए, लेकिन मेरा कर दीजिए, आप जैसे मर्जी करिए, आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस ठीक चाहिए मेरा मोबाइल बस। अगर आपको सर्विस सेंटर चलाना है तो आप अगर ऐसे ही करेंगे, अगर किसी को भी चूतिया बनाएंगे तो आपका सर्विस सेंटर नहीं चल पाएगा, और तो भाई जाहिर सी बात है। तो जब मैं इतना बोला तो बोला ठीक है, तो मैं करीब घर पे आया, 2-3 घंटे मैं रहा। उसके बाद 2-3 घंटे बाद फोन आया मेरे पे कि सर आपका अप्रूवल हो चुका है, और आपका जो फोल्डर है वो, और मतलब 7 दिनों के लिए मुझे मेरा ये फोन रखा हुआ था कि 7 दिन आपको 1 हफ्ते करीब में आपको फोन जमा करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई मैं 1 हफ्ता जमा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो जब मुझे कॉल किया वो तो ये बोला कि सर आप आइए अपना फोन भी ले जाइए, और आपका अप्रूवल हो चुका है। और तो मैं जब वहाँ पे फिर दोबारा जब मैं पहुंचा तो बोला कि सर आप 4 दिन के बाद मेरे पे कॉल करिएगा, अगर आपका प्रोडक्ट आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप 7वें दिन मेरे पे कॉल करिएगा। तो यही सब बात था। तो दोस्तों मैं आप लोग को बस इतना बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस है कि मेरे साथ इस फोन का कुछ नहीं हुआ है, तो देखिए सर्विस सेंटर की गलती नहीं होता है, जो सर्विस सेंटर को चलाता है मतलब जो वहाँ पे जो कस्टमर बैठे मतलब जो वहाँ पे बैठा रहता है, जो जो सर्विस मतलब सर्विस करता है, वो सब चुतिया बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोग चुतिया कभी भी मत बनिएगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज को
पहले अगर ये नहीं कि आपका फोन डिस्टर्ब है तो आप चले गए सर्विस सेंटर पे दिखाने लगे, पहले उसके बारे में जानिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि ये मेरे में प्रॉब्लम है, वो यूट्यूब वाला खुद बताएगा, उसमें वीडियो जरूर पड़ा होगा जो आपके माइंड में जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को यही काम करना है कि कोई भी दिक्कत आए तो आप उसके बारे में नॉलेज रखिए, क्योंकि दोस्तों मुझसे ये कह रहा था कि आपका ये जो ऊपर का डिस्प्ले यही चेंज होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। सर्विस सेंटर पे अगर आप लोग जाते हैं और वहाँ पे अगर कंपनी वाला फोल्डर लगता है तो ये जो पैनल है ना, ये पूरा पैनल मिलता है, पूरा पैनल के साथ डिस्प्ले लगा होता है, बस पीछे का पैनल और मटेरियल निकाल देते हैं सब, और ये जो बीच वाला पैनल है और डिस्प्ले, इसको अपने लगा के एडजस्ट कर देते हैं कि आपका डिस्प्ले पता ना चले। तो मैंने जब उससे बात बोला तो उसको ऐसा लगा कि आप मुझसे पूछा भी आप क्या करते हैं, मैं कहा भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो शूट करता हूँ टेक्निकल का। तब उसको पता चला हाँ भाई ये सही में जानकार है, थोड़ा सा नॉलेज है। तो आप लोग को अगर नॉलेज नहीं रहेगा ना तो आप लोग को चूतिया बना देगा, तो ऐसा गलती मत करिएगा। आई होप आप सबको ये इन्फॉर्मेशन, मुझे अच्छा लगा कि मैं आप लोग को बताऊँ, शेयर करूँ कि ताकि आप लोग जागरूक हो जाएं, ठीक है। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, कोई भी चीज़ या कोई भी सामान अगर डिस्टर्ब है तो उसके बारे में पहले जानिए, तब आप कंपनी में जाइए, ठीक है। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा, बाय बाय।